आई होप आपके हॉलीडेज बहुत अच्छे से गुजरे होंगे, है ना? सो लेट्स कम बैक फॉर द स्टडी, ओके? बहुत छुट्टियां मना ली, अब थोड़ा पढ़ाई पर फोकस करते हैं, ओके? तो हम आज टुडे वी विल रीड लेसन वन ऑफ इंग्लिश रीडर माय लैंड, ओके? द नेम ऑफ द लेसन इज माय लैंड, मेरी धरती माँ, है ना? सो एट फर्स्ट वी विल रीड द पोयम. शी इज अ रिच एंड रेयर लैंड, ओ शी इज अ फ्रेश एंड फेयर लैंड. शी इज अ रिच एंड रेयर लैंड, ओ शी इज अ फ्रेश एंड फेयर लैंड. She is a dear and rare land, this native land of mine. She is a dear and rare land, this native land of mine. Second stanza. No man than hers are braver, her woman's hearts never waver. No man's that Men that hers are braver, her woman's hearts never waver. I had freely died to save her and think my lot divine. तो यहां पर पोएट जो है, हम टू टू स्टैंजा करके इसको एक्सप्लेन करेंगे, ओके? सी इज अ रिच एंड रेयर लैंड. पोएट जो है यहां पर हमारी कंट्री के बारे में बता रहा है, ठीक है? कंट्री, हमारा देश, हमारी भारत माँ, उसके बारे में बता रहा है कि हमारा जो देश है, हमारी जो देश की धरती है, वो बहुत रिच है और बहुत रेयर मीन्स होता है दुर्लभ, है ना? बहुत दुर्लभ है, ओके? बहुत फ्रेश और फेयर, यहाँ पर हवाएं भी बहुत अच्छी चलती है ना? फ्रेशनेस होती है हमेशा यहाँ पर. तो पोएट यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये जो लैंड है, ये जो धरती माँ है, ये बहुत डियर, बहुत प्रिय है मेरे लिए, बहुत दुर्लभ है ना? जो हर किसी को नहीं मिलता है, ठीक है? ये जो नेटिव लैंड है, नेटिव लैंड कहलाता है, मतलब जहाँ हम जन्म लेते हैं, जहाँ खेलते बढ़ते हैं, है ना? तो नेटिव लैंड का मतलब ये होता है. तो ये जो भारत माता है, ये जो हमारी देश है, वो मेरा है, ठीक है? यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, नो मैन देन हर्स आर ब्रेवर, हर वूमेन्स हर्ट्स नेवर वेवर. यहाँ पर जितने भी मैन हैं, जितने भी वूमेन हैं, है ना, किसी भी कठिन परिस्थितियों में कभी भी हारती नहीं है. कष्ट झेलना उन्हें बहुत अच्छे से आता है, ठीक है? वो सब बहादुर हैं, जितने भी मैन हैं, जितने भी वूमेन्स हैं, ठीक है? और वो अपनी भारत माता के लिए, अपनी कंट्री के लिए, ठीक है, अपनी कंट्री के लिए मरने को भी तैयार होते हैं, ठीक है? उनकी रक्षा अपनी कंट्री की, अपनी देश की सीमा में खड़े रहकर. आप देखते होंगे जो जवान होते हैं हमारे, है ना, वो हमेशा तैनात रहते हैं हमारे देश की सुरक्षा के लिए, हमारी भारत माता की सुरक्षा के लिए. तो वही यहाँ बताया गया है. पोएट कह रहा है कि हमारे जो देश के जितने भी वुमेन्स हैं, जितने मेन्स हैं, है ना, जितने भी पुरुष, महिलाएं, बच्चे जो भी हैं, वो प्राणों का बलिदान करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, है ना, अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए. वो इन्हें देवी देवता की तरह समझते हैं, पूजते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, शी इज नॉट अ डल और कोल्ड लैंड. नो शी इज नॉट अ डल और कोल्ड लैंड. नो शी इज वार्म एंड बोल्ड लैंड. ओ शी इज अ ट्रू एंड ओल्ड लैंड, दिस नेटिव लैंड ऑफ माइन. ये जो हमारा देश है, हमारी जो कंट्री है, ना ही वो डल है, ना ही कोई ठंडा ठंडा स्थान, ठीक है? कोल्ड लैंड नहीं है, ना ही यहाँ ज्यादा गर्मी होती है, ना ही यहाँ ज्यादा सर्दी होती है, ठीक है? ये सत्य है ना, और बहुत पुरानी भूमि है, ओके? तो ये जो
जन्मभूमि है, ये जो मातृभूमि है वो मेरी है। ओके, गुड। ब्यूटी एवर गार्ड हर एंड वर्च्यू स्टिल रिवार्ड हर, नो फो वुड क्रॉस हर बॉर्डर, नो फ्रेंड विथ इट विथ इन इट पाइन। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमारे जो देश के लोग हैं, है ना, वो हमारे देश की सुंदरता, ठीक है, और हमारे देश को दुश्मनों से बचाने के लिए बॉर्डर पर हमेशा तैयार रहते हैं, खड़े रहते हैं, ठीक है। और जितने भी लोग हैं वो कष्ट सहने से नहीं डरते हैं, हमेशा मातृभूमि की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। ओके, ओशी इज अ फ्रेश एंड फेयर लैंड, ओशी इज अ रियल एंड ट्रू लैंड, यस सी इज अ रियल एंड फेयर लैंड, दिस नेटिव लैंड ऑफ माइन। तो वही यहाँ पर पोएट फिर से कह रहे हैं कि ये जो हमारी धरती है, हमारी धरती माँ है, वो बहुत रेयर है, सच्ची है ना, अच्छी है। ओके, और ये जो मातृभूमि है ये मेरी है और हम सब की है। ओके, सो इस लेसन, इस पोयम माई लैंड के पोएट हैं थॉमस डेविस। ओके, दिस पोयम इज रिटन बाय थॉमस डेविस, सो रीड दिस पोयम अगेन, दिस इज योर होमवर्क for tomorrow.